बता दूं, आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का तीसरा लेक्चर आजकल हमने फाउंड पढ़ा था, पैराग्राफ टाइप को पढ़ा था, ठीक है। आज स्टाइल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। स्टाइल में ये है कि ये आपके सामने कुछ फाउंड कुछ स्टाइल दिए गए हैं। इन स्टाइल को देने का इसको डीप हम ज़्यादा तफसील से डिज़ाइन के साथ पढ़ेंगे स्टाइल को, लेकिन यहाँ सिर्फ एक बात समझाने के लिए, ठीक है, आपको बता रहा हूँ कि ये जो स्टाइल दिए गए हैं इनका मकसद ये है कि आपको कोई हेडिंग देनी है, कोई सब हेडिंग देनी है, कोई टाइटल बुक का देना है, कोई सब टाइटल देना है। तो क्योंकि जब बंदा कोई ऐसे लिखता है, कोई मजमून लिखता है, तो उसका टाइटल देना पड़ता है, फिर कोई सब टाइटल होता है, ठीक है, फिर इसी तरह कोई हेडिंग वगैरह देनी है, तो उन चीज़ों को बुक टाइटल हो गया, सब टाइटल हो गया, ठीक है। तो उन चीज़ों के लिए कोई रेफरेंस देना है सब टाइटल का, उन सब चीज़ों के लिए हम ये फाउंड इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने एज ए सिंपल एज ए टेम्पलेट यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। अगर आपको ये पसंद हैं तो ठीक है, अगर नहीं पसंद तो आप नया स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं, कोई नया अप्लाई कर सकते हैं, खुद से भी आप एक नया स्टाइल बना सकते हैं। और अगर ये बने बनाए स्टाइल चाहिए तो बेहतर है, अगर नहीं बना ये चाहिए आपको नहीं पसंद, आप खुद से क्रिएट करना चाहते हैं तो आप बने बनाए खुद से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इनका इसको तफसील के साथ हम वहाँ पढ़ेंगे। ये सबसे ज़्यादा उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब हम कोई बुक को पब्लिश करते हैं, बुक को बनाते हैं, तो बुक बनाने में जब कंटेंट लिस्ट बनाते हैं तो वहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है कि इस पेज पे आपका फलाने पेज पे फलां चीज़ है, फलां पेज पे फलां चीज़ है, फलां पेज नंबर पर फलां चीज़ है। इसको हम वहाँ थोड़ा सा तफसील से पढ़ेंगे इस डिज़ाइन के साथ, ठीक है। तो इसके आगे चलते हैं, आगे है एडिटिंग, ठीक है। हमने एक टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट लिखने के बाद उसको उसमें कुछ गलतियां हैं या उसको हम बदलना चाहते हैं तो वो हम किस तरह बदलेंगे, ठीक है। तो मैंने आपके सामने चार पांच पैराग्राफ लिए, इन पैराग्राफ में हम सबसे पहले फर्ज करें हम कोई चीज सर्च करना चाहते हैं, कोई वर्ड सर्च करना चाहते हैं, कोई डेफिनेशन सर्च करना चाहते हैं, तो वो हम कोई नेम सर्च करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब मैट्रिक का या एफए का रिजल्ट आता है तो उसमें बोर्ड की तरफ से गजट आता है, तो गजट में अगर आप कोई सिंगल नेम सर्च करना चाहें तो उसके लिए हम फाइंड का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास एक बड़ी डॉक्यूमेंट है उसमें हम कुछ चीज़ को सर्च करना चाहते हैं तो उसको हम उसके लिए हम फाइंड का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम देखें आपके सामने ये फाइंड है, फाइंड पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये देखें हमारे पास ये सर्च बार आ गई, नेविगेशन आ गई, ठीक है। इसमें फर्ज करें हम टू या क्लिक, ठीक है, कोई भी एक लफ्ज लिखता हूँ मैं यहाँ पे एंड इस्तेमाल, लेकिन जहां जहां हमारे डॉक्यूमेंट में एंड है तो वहां वहां उसने उसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है, हमारे सामने उसने रिजल्ट निकाल के दे दिया, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं एंड की बजाय यहाँ पे क्या नाम उसका यू को सर्च करूँ तो जहां जहां यू होगा तो वो उसने हमारे सामने वो यू को कर दिया, तो ये हो गया फाइन। और एक दूसरी चीज, अगर हमने लिखते लिखते कोई गलती हो गई, एडिटिंग करनी है तो गलती हो गई, एक पूरा लफज है, ठीक है, उसको हमने गलत लिख दिया, ठीक है, हर जगह उसको गलत स्पेल के साथ लिखा और हमने किसी ने बताया भाई ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, अब हम जहां जहां वो होगा अगर एक एक लाइन को रीड करने लगे तो हमारा वक्त बहुत ज्यादा लगेगा, तो हम उसको फाइंड करेंगे, फाइंड करने के बाद उसको क्या कर देंगे, रिप्लेस। फर्ज के यू है, यू को मैं इसके बजाय सिर्फ जैसे हम आम सभा में देखें एक यू आ गया, यू नीचे रिप्लेस विद, इसको सिर्फ इसी यू के साथ मैं रिप्लेस कर देता हूँ, तो मैं इसके बाद इसको रिप्लेस आल कर देता हूँ, तो जहां जहां वो यू था 25 मकाम पर यू था तो वाई ओ यू, और उसकी जगह मैं सिर्फ ओनली यू लिखता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्या, फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। अब देखें यहाँ पे यू आ रहा है, अब देखें यू किस किस जगह पे, देखिए देखें जो जो यू था वहां हमें उसने हाईलाइट कर, ठीक है। अब इस यू की जगह पे
ठीक है, अब इस यू की जगह पे मैं वो वाई ओ यू लिख दूं, रिप्लेस कर देता हूं दोबारा फिर इसी को वाई ओ यू के साथ, रिप्लेस आल कर देता हूं, तो जहां जहां वो था उसने उसकी जगह यू यू कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिफाइंड एंड रिप्लेस। उसके बाद सिलेक्ट, सिलेक्ट में क्या आएगा, इसमें आल सिलेक्ट करना है, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, या सिमिलर फॉर्मेटिंग में कोई चीज सिलेक्ट करनी है। ठीक है, आल सिलेक्ट आल पे कहेंगे पूरी होल डॉक्यूमेंट हमारी सिलेक्शन, उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। और अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में नहीं है फिलहाल, ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए सिलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम अगर सिलेक्ट सिमिलर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नो डाटा, ठीक है, सिमिलर में जो है उसको जो एक जैसी फॉर्मेटिंग में है, फर्ज करें मैं यहाँ पे ये पैराग्राफ कर देता हूँ, ये पैराग्राफ कर देता हूँ मैं, इसकी 16 कर दिया और इसको कलर कर दिया और इसको मैंने इसमें टाइम रोमन में कर दिया। अब इसी तरह मैंने इसको कर दिया, इसका फॉन्ट साइज 16 कर दिया, ठीक है, इसको रेड कर दिया फॉन्ट कलर, ठीक है, और इसको टाइम रोमन में मैं कन्वर्ट कर दूँ। ठीक है, अब मैं इस पे चलता हूँ सिमिलर। अब देखें सिमिलर को किया तो उसने जो सिमिलर थे उनको किया, ये दो दरमियान में नहीं थे, उन जैसी फॉर्मेटिंग नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो ये है इसका फाइंड रिप्लेस एंड सिलेक्ट, फाइंड रिप्लेस एंड सिलेक्ट। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इसमें हमने फाउंड को भी पढ़ लिया, पैराग्राफ को भी पढ़ लिया, स्टाइल को भी पढ़ लिया और एडिटिंग को भी पढ़ लिया। उसके बाद हम चलते हैं इंसर्ट की तरफ। इंसर्ट में हम इसको मैं रिमूव करता हूँ, कंट्रोल आल ए पे, ठीक है, डिलीट किया। तो इसके बाद इसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं पेजेस। ठीक है, इन पेजेस को हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम थोड़ा सा काम कर लेंगे इस पे, ठीक है, उसके आगे जाके हम इन पेजेस को पढ़ेंगे ताकि इसे हमें अच्छे समझ आ जाए। वैसे एक दफ व्यू में देख लेते हैं तो कवर पेज है, तो कवर पेज के हवाले से हमें जो भी किसी बुक है, कोई नोट्स है, किसी भी कोई रिपोर्ट है, ठीक है, कोई फैक्ट्स है, किसी भी हवाले से हम कोई कवर पेज क्रिएट करना चाहते हैं अपने रिपोर्ट्स के हवाले से, सालाना रिपोर्ट्स के हवाले से, महाना रिपोर्ट्स के उठा के अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो यह यहाँ से हम रिपोर्ट को करंट पेज पे जो हमारा कवर पेज है उसको रिमूव भी कर सकते हैं, नया बना भी सकते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ठीक है, कवर पेज के और बहुत सारे टेम्पलेट दिए गए हुए हैं कवर पेज के हवाले से। ठीक है, एक तो कवर पेज, दूसरा हम यहाँ से ब्लैंक पेज लेना चाहें ब्लैंक पेज ले सकते हैं, खाली पेज, ठीक है, एड ब्लैंक पेज, और तीसरा पेज ब्रेक, यानी हम इंसर्ट ए पेज ब्रेक के एक पेज को दो पार्ट में तकसीम करना चाहते हैं, तीन पार्ट में एंड, ठीक है, तो उस पेज के हवाले से हम इसको पेज ब्रेक कर लेंगे, पेज की ब्रेक लगा लेंगे। तो इसमें लेकिन हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे उसको टेबल को पढ़ेंगे, हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो टेबल को पढ़ेंगे, क्योंकि टेबल क्रिएट करना बहुत ही अहम चीज़ है, और हर असाइनमेंट में, हर डॉक्यूमेंट में, हर सीवीज में, ठीक है, हर रिपोर्ट में टेबल की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है टेबल को क्रिएट करना। तो टेबल को हम तीन या चार तरीकों से सीखेंगे कि तीन चार तरीकों से किस किस तरह से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले होगा ऑटो टेबल क्रिएट करना। तो ऑटो टेबल क्रिएट करने के लिए हम टेबल पर क्लिक करेंगे जो साथ एरो बना हुआ है, तो ये देखें हमारे पास इंसर्ट ए टेबल का ऑप्शन आ रहा है। तो जितने कॉलम या जितने रोज हम सिलेक्ट कर रहे हैं उतने ही कॉलम उतने ही रो हमारे सामने इंसर्ट हो रही हैं, क्रिएट हो रही हैं। देखें अब हमने 10 कॉलम को सिलेक्ट किया तो 10 कॉलम हमारे सामने, अब नीचे की तरफ मैं जितनी भी रो लगाना चाहूं, ठीक है, उतनी ही रो हमारे सामने वो पेश कर रहा है, स्क्रीन पर हमें नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ से हम अपनी तादाद के मुताबिक, ठीक है, तादाद के मुताबिक अपने टेबल और अपने रो को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हुआ इंसर्ट टेबल, लेकिन इसकी एक हद है, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा 10 टेबल, ठीक है,
और 8 रो लगा सकते हैं, इससे ज्यादा ऑटो क्रिएट करना एक वक्त में मुश्किल है, एक साथ में मुश्किल है। तो इसका दो हल हैं, दो चीजें हैं। एक तो अगर हम इससे ज्यादा रिक्वायर्ड चाहिए, फर्ज करें हमें 10 बाय 10 का टेबल चाहिए, लेकिन हमारे पास 10x8 का टेबल है, तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, एक तो हम इसको 10x10 का क्लिक कर लेंगे, ठीक है, हमारे पास टेबल लग गया। फिर दोबारा इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, टेबल क्रिएट पे आएंगे, तो देखें अब हमारे पास वो हाईलाइट नहीं है, अब हमारे पास वो हाईलाइट नहीं है। तो अब क्या करेंगे, एक तो इसको थोड़ा सा एंटर करें, अब दोबारा टेबल पर जाएं तो हमारे पास हाईलाइट होगी। तो हम 10 और 2, ये 8, और इसको उठाकर दरमियान में जो खाली जगह छोड़ी है उसको डिलीट कर देंगे, तो ये 10x10 का टेबल हो गया। ठीक है, दोबारा क्रिएट कर देता हूँ मैं। ठीक है, मैंने 8x10 का टेबल लगाया, ठीक है, और दोबारा इंसर्ट पे गया, टेबल क्रिएट किया, लेकिन ये हाईलाइट नहीं हो रहे। तो इसका तरीका कर क्या करूंगा, मैं एंटर करूंगा, एक स्टेप नीचे आऊंगा, एक रो नीचे आऊंगा, फिर दोबारा टेबल पर जाऊंगा, तो देखें ये हाईलाइट हो रहे हैं। तो अब मैं इसे 1 रो 2 रो, क्योंकि हमें 8 रो हमारे पास पहले हैं, 2 रो हमें मजीद चाहिए, तो मैं 2 रो मजीद ले लूंगा, 10 कॉलम पहले हैं, 10 कॉलम मजीद ले लिए। ठीक है, एंटर किया, ठीक है, और दरमियान में जो हमने स्पेस छोड़ा था, खाली जगह की थी, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, तो वो साथ उसके मिला दूंगा, तो ये 10x10 का कॉलम हो गया। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अगर हमें कितनी भी तादाद में इंसर्ट, देखें टेबल में गया तो ये नीचे ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट टेबल, अब वो हमें अपनी मर्जी से हम कॉलम और रो बना सकते हैं। हमें 50 कॉलम चाहिए, हमें 10 कॉलम चाहिए, हमें 5 कॉलम चाहिए, हमें 17 कॉलम चाहिए, हमें 13 रो चाहिए, जितने भी रो जितने भी कॉलम चाहिए हम ऑटो क्रिएट यहाँ से कर सकते हैं। उतनी तादाद लिखेंगे, फर्ज करें मुझे 15 कॉलम चाहिए, ठीक है, और रो की तादाद मुझे चाहिए, फर्ज करें 9 रो चाहिए मुझे, ठीक है, या 9 नहीं, मुझे 30 रो चाहिए, 30 कर दी मैंने, ठीक है, और एंटर करूंगा, तो हमारे सामने वो 15 कॉलम और 30 रो हमारे सामने आ गए। ठीक है, तो ये टेबल इंसर्ट करना बहुत आसान है। ठीक है, ये दो तीन मेथड हो गए, दो मेथड हो गए आपके सामने टेबल क्रिएट करने की। तीसरा मेथड, अगले पेज पे आया मैं, ठीक है, यहाँ से मैं फिर इंसर्ट टेबल पे जाऊंगा, तो यहाँ पे टेबल पे जाऊंगा, टेबल में एक ऑप्शन आया ड्रॉ टेबल, ड्रॉ टेबल, तो हमने एक टेबल ड्रॉ किया। अब पेंसिल से हम टेबल लगाएंगे, ठीक है, ये एक टेबल बना लिया हमने, ठीक है, इसके अंदर हमें कॉलम चाहिए, ठीक है, 5 कॉलम चाहिए, ये एक पेंसिल से ड्रा करते जाएंगे, 2, तीन, 4 और 5, तो ये हमारे, इसी तरह हमें रो चाहिए तो हम रो क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, ये रो लग रही है, तो हम पेंसिल से टेबल को ड्रा कर सकते हैं, जितनी रो जितने कॉलम हमें चाहिए, ठीक है, उतना हम इसको लगा सकते हैं। लेकिन इसमें एक मसला है, आपके कॉलम और आपकी जो रो की विड्थ होगी, साइज होगा, ठीक है, वो एक जैसा नहीं होगा। देखें कोई कॉलम बड़ा है, कोई छोटा है, इसके लिए आपको महारत अख्तियार करना पड़ेगी, ठीक है, कि आप महारत से इसको लगाएं, टेबल को लगाएं, ताकि हमारे कॉलम को लगाएं और रो को लगाएं, ताकि हमारे टेबल का जो साइज है, जिसामत है, वो एक जैसी रहे। ठीक हो गया, इसके बाद हम दोबारा इंसर्ट टेबल पे जाते हैं, तीसरा तरीका, ठीक है, क्यूक टेबल्स, ठीक है, ये हमारे पास कुछ टेबल्स हैं क्यूक टेबल्स के नाम से, कुछ टेम्पलेट्स हैं, इसमें हम कैलेंडर वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं, कैलेंडर वगैरह, या मंथ ऑफ द ईयर करना चाहते हैं, मंथ वीक डेज ऑफ द वीक करना चाहते हैं, मंथ ऑफ ईयर करना चाहते हैं, तो हम क्रिएट टेबल क्विक टेबल पे जाएंगे, और वहां पे जिस भी जो भी हमें जिस स्टाइल का कैलेंडर चाहिए, हम वही कैलेंडर इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं कैलेंडर के, टेबलोर लिस्ट है, कैलेंडर है, मैट्रिक्स है, ठीक है, मुख्तलिफ टेम्पलेट्स बनी हुई हैं, ठीक है, हमें इसमें जिस तरह की भी टेम्पलेट चाहिए, फर्ज का कैलेंडर लेना है तो मैं ये, मुझे ये पसंद है तो मैं ये ले लूंगा, तो देखिए हमारे सब वो क्रिएट हो गया, देखिए आपके सामने वो टेबल क्रिएट हो गया, मई आ गया। ठीक है, आगे इसी को कॉपी पेस्ट कर लें, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, पूरा वीक हम इसको, पूरा मंथ की इसको, पूरे ईयर की बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्यूक टेबल के नाम से ये टेम्पलेट्स पड़ी हैं, तो ये 4 मेथड हैं इसको क्रिएट करने के।
ठीक है, तो ये हमें टेबल लगाना आ गया। अब टेबल लगाने के बाद ठीक है, मैं इसको में मजीद कॉलम, एक टेबल लगा हुआ है हमारे पास, उसमें मजीद एडिटिंग करनी है, मजीद कॉलम लगाने हैं, या मजीद कोई रो, मजीद कॉलम या कोई खत्म करना है, तो उसका तरीके कार क्या है, अब हम वो देखेंगे। कॉलम को इंसर्ट करना, रो को इंसर्ट करना, रो या कॉलम को डिलीट करना, उसका तरीके कार क्या है। वो आसान मेथड है, एक्सेल 2013 में, वर्ड 2013 पे मैं काम कर रहा हूँ, तो इसमें तो बहुत आसानी से है। हम जैसे ही इसके ऊपर, कॉलम के ऊपर जाएंगे, तो हमारे पास देखेंगे एक जमा का निशान आ रहा है, ठीक है, तो जमा पर क्लिक कर देंगे तो एक टेबल और क्रिएट हो गया, जितने हम टेबल लगाना चाहते हैं वो टेबल क्रिएट होते जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, इसी तरह हम रो लगाना चाहते हैं, मैं रो के ऊपर जाऊंगा, देखें इधर प्लस का निशान आ गया, मैं रो लगाता हूँ, देखें रो बढ़ रही है, ठीक है, तो रो बढ़ती जाएंगी, ठीक है, ये तो एक हो गया। लेकिन जिनके पास 2013 से या 2010 से कम के हैं, 2007 है, एमएस वर्ड 2007 वाला है, तो उनके लिए जो हम कैसे क्रिएट करेंगे, उनके लिए हम, अगर हमने यहाँ पे इसके आगे करना है, कॉलम एक लगाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके हम इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके हम क्या करेंगे, वो पूछ रहा है अबव लगाना है, बिलो लगाना है, इसके ऊपर लगाना है, इसके रो लगानी है, कॉलम लगाना है, ठीक है। अगर तो हमने कॉलम लगाना है, तो वो पूछ रहा है लेफ्ट एंड राइट, कि जो आप, जहां आपका कर्सर है उसके लेफ्ट साइड पे जाएगा कॉलम लगाना है, या उसके राइट साइड पे लगाना है, और जो अगर हमने रो लगानी है, तो हमें पूछ रहा है जहां आपका कर्सर है उसके ऊपर रो ऐड करनी है, या उससे नीचे ऐड करनी है। तो इस हिसाब से अगर हमने लेफ्ट पे, राइट पे मैं लगाता हूँ, राइट कॉलम पे, ठीक है, तो देखें राइट पे एक और कॉलम आ गया, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और एक रो लगाता हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ, बिलो करता हूँ नीचे, तो देखें एक और रो नीचे इंसर्ट हो गई। तो इस तरह हम एक इंसर्ट कर सकते हैं दो, इन दो मेथड से, ठीक है। और भी मेथड हैं, वो इंशाल्लाह हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इसी तरह ये कॉलम हो गया, ये रो लगाना होगी, अब हम इसको डिल करना है। डिलीट कैसे करना है, कि जहां हमारा कर्सर होगा, फर्ज करें मैं ये, अगर तो एक कॉलम कर्सर इंसर्ट डिलीट करना है, तो जहां हमारा कर्सर होगा उसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, वो खुद ब खुद डिलीट सेल हो गया। डिलीट सेल में वो पूछ रहा है एंटर रो करनी है, कॉलम करनी है, कि सिर्फ सेल करना है। अगर हमने सिर्फ वो सेल करना है, तो सिर्फ ओके करेंगे, तो सिर्फ देखें एक सेल डिलीट हुआ, बाकी वैसे ही, ठीक है। अगर हमने इसको पूरी रो को उठाना है, पूरे कॉलम को उठाना है, हम क्या कर देंगे, कॉलम डिलीट एक कॉलम, देखें पूरा कॉलम खत्म हो गया, ठीक है। अगर हमने इस रो को खत्म करना है, तो डेल पे जाएंगे, डेल सेल डिलीट एंटर रो, वो पूरी रो की रो खत्म हो जाएगी, पूरी कितार खत्म हो जाएगी, देखें कितारे खत्म हो गए, ठीक है। तो ये हम एक सेल को, अगर हमने एक से ज्यादा चीजें करनी है, हमने फर्ज करें हैं पांच कॉलम ज्यादा लग गए हमारे पास, पांच रो ज्यादा लग गए, तो उसको खत्म कैसे करना है, तो ये क्या देखें तरीका, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये पांच कॉलम को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद डिलीट कॉलम पे जाऊंगा, तो देखें वो पांच के पांच हो गए, ठीक है। और फिर अगर मैंने रो को करनी, पांच रो खत्म करनी, 1 2 3 4 5, ठीक है, डिलीट पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, डिलीट सेल करूंगा, एंटर रो पे जाऊंगा और इसको ओके कर दूंगा, तो देखें वो हमारे पास होंगे। तो बाकी ये इन रो को, इन कॉलम, जो कॉलम और कितारे हमारे पास रह गई, हम यहाँ कॉर्नर से पकड़ेंगे और इसको, इसका साइज बढ़ा लेंगे, ठीक है। रो कॉर्नर से पकड़ा, ठीक है, लेफ्ट क्लिक की को पुश किए रखा, दबाई रखा और इसको क्रिए, इसको ड्रैग कर दिया, देखिए हमारे पास उसका साइज वगैरह भी बढ़ गया, ठीक है। तो ये सारा ऑप्शंस क्या है हमारे पास, इंसर्ट टेबल के हवाले से, ठीक है। फिर इसमें मजीद देखिए, चलिए मजीद आगे जाके बताएंगे इसको। ये एक सिंपल से तरीके से आपको टेबल लगाना, आसान से टेबल लगाना आपको सिखा दिए, ठीक है। हाँ, इसमें मजीद देखें, हम जब से हम टेबल लगाते हैं, तो हमारे पास एक नया टैब खुलता है, जिसको देखें आप टेबल टूल के नाम से, टेबल टूल के नाम से मैंने इसको किया। तो अब टेबल टूल में हमारे पास कुछ मजीद ऑप्शंस आ रहे हैं,
ठीक है। मजीद ऑप्शन में हमारे पास टेबल का स्टाइल आ रहा है, तो हमारे पास कुछ टेबल के स्टाइल पड़े हैं। देखिए ये कुछ टेम्पलेट्स पड़े हैं, बने बनाए टेबल्स पड़े हैं। हम इनमें से अपने टेबल को इन मुख्तलिफ साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, कलर्ड करना है जिस मर्जी कलर में करने। ठीक है, फर्ज करें ये मैं कॉलम लेता हूँ, ठीक है, इनमें से कोई एक ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये लिया मैंने, अब इसको मुझे इसे पसंद है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता हूँ, इसको बदलना चाहता हूँ। इसमें से मैं इसको क्रिएट पे जाऊंगा, मॉडिफाइल टेबल स्टाइल पे जाऊंगा, ठीक है। तो हमें इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, फर्ज मैं इट्स की विड्थ को बढ़ाना चाहता हूँ। पहले मेरे पास 1/2 की विड्थ है, तो मैं 2 की 2 3 की विड्थ कर देता हूँ, 3 कर दी, ठीक है। और फिर मैं टेबल के लाइन का स्टाइल डॉटेड करना चाहता हूँ, ये डॉटेड कर दिया, ठीक है। और फिर मैं इसका ऑल ऑल बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, तो ऑल बॉर्डर लगा दिया, ठीक है। ऑल बॉर्डर लगाना चाहता हूँ तो ऑल लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ग्रीन करना चाहता हूँ, तो ये ग्रीन हो गया, ठीक है, जिस सेल का करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये अलाइनमेंट होगी इसकी, ठीक है। जो भी तब्दीली करना चाहता हूँ उसके बाद तब्दीली वगैरह की, मैं इस पे जो टेक्स्ट है, ठीक है, वो उसको बदलना चाहता हूँ, टेबल ग्रेड 5, ठीक है, कर दिया। बोल्ड टेबल पर करना चाहता हूँ या टॉपर, जो भी यहाँ से वो हम उसकी अप्लाई फॉर्मेटिंग, होल टेबल पर फॉर्मेटिंग करनी अप्लाई, होल पे कर दिया। उसके बाद इसको ओके कर दिया, हमने जो तब्दीलियाँ की देखें वो तब्दीलियाँ हमारे सामने आ चुकी हैं, ठीक है। इस तरह हम अपने टेबल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें अपनी मर्जी से तब्दीलियां कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शेड आ गया, मैं इसको कुछ शेड देना चाहता हूँ, देखें किसी सेल को शेड देना चाहता हूँ, ठीक है। अगर पूरे को देना तो मुझे पूरे को सेलेक्ट करना होगा, अगर पूरे को शेड देना है तो पूरे को सेलेक्ट करना होगा, देखें पूरा सेलेक्ट हो रहा है, एक ही शेड आ रहा है, नो कलर नो कलर, ठीक है। तो देखें ये मुख्तलिफ शेड्स आ रहे हैं, ठीक है। मोर कलर में जाएं, हम मोर कलर यहाँ से ले लेंगे, स्टैंडर्ड कलर हमारे पास हैं, कस्टम्स कलर हमारे पास हैं, RGB है, HSL है, तो हम इसमें से जो टेबल लगा जो कलर चूज करना चाहें वो चूज करेंगे। फर्ज करें मैंने ये वाला ये करता हूँ, देखें वो आ गया, ठीक है। तो हमारा ये शेड लग गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बॉर्डर, ये बॉर्डर वाला आप जैसे पीछे पढ़ के हैं पेज बॉर्डर लगाना, वैसी सारी चीजें इसमें ये चीजें मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आ गया, नो बॉर्डर लगाना है, नो बॉर्डर आ जाएगा। इसको इस तरह लगाना है, इस तरह आ जाएगा, ठीक है, जिस कॉलम को हमने लगाना है। फर्ज मैं इसको क्लिक करता वो हो गया, जिस जिस पर क्लिक करेंगे वो होता जाएगा, ठीक है। पेज प्रिंटर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और ऑल करते देता हूँ ये वाला, ऑल बॉर्डर, देखिए ऑल बॉर्डर पे ही हमारा अप्लाई हो गया, ठीक है, हो गया। इसकी विड्थ को कम करना है, इसकी विड्थ को मैं थोड़ा कर देता हूँ, अप्लाई टू ऑल बॉर्डर कर देता हूँ, ऑल बॉर्डर पे ही अप्लाई होगी, ठीक है। तो ये हमारा टेबल को मजीद, हम इससे मजीद अच्छे अच्छे टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी टेबल के हवाले से, बल्कि दो असाइनमेंट्स, ठीक है। उसका मैं वो ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। पेपर बनाना है आप लोगों ने, टेबल बनाने का तरीका, टेबल क्रिएट करने का, टेबल लगाने का, टेबल कॉलम और रो को डिलीट और इंसर्ट करने का आपको बता दिया, इसके बॉर्डर तब्दील करना बता दिए। तो मैं दो पेपर सेंड करूंगा ग्रुप में, ठीक है। आप लोगों ने वो पेपर बना के मुझे भेजने हैं, ठीक है। तो इससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मुझे भी पता चल जाएगा कि आप लोगों को कितनी समझ आई, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये इंसर्ट टेबल वाला ऑप्शन जो है, इंसर्ट टेबल जो है, ये आपको समझ आ गया होगा कि टेबल कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, कैसे नहीं क्रिएट करना, ठीक है। आगे चलें, इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट के बाद टेबल के बाद हमारे पास आता है पिक्चर, टेबल के बाद क्या आती है, पिक्चर, ठीक है। पिक्चर पे क्लिक करते हैं, ठीक है, हम यहाँ से कोई एक पिक्चर उठाते हैं, डेस्कटॉप पे मैं जाता हूँ, डेस्कटॉप पे कोई एक पिक्चर उठा लेता हूँ मैं,
ये उठा लेता हूँ 10 मुहर्रम की, मैंने ये पिक्चर उठा ली। ठीक है, पिक्चर लेने का तरीका, इंसर्ट करने का तरीका समझ में आया कि नहीं? दोबारा रिपीट कर देता हूँ, चलें। ठीक है, इंसर्ट पे गया, पिक्चर लिया, पिक्चर पे क्लिक किया। ठीक है, तो वो हमें उस जहाँ हमारी पिक्चर पड़ी होगी, डेस्कटॉप पे पड़ी है, सी ड्राइव में है, डी ड्राइव में है, डाउनलोड में है, जहाँ भी हमारी पिक्चर पड़ेगी पड़ी होगी वहां से हम इसको इंसर्ट कर लेंगे। मेरी ये डेस्कटॉप पे पड़ी है, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से डेस्कटॉप से ले लेता हूँ। ठीक है, इसको जो भी मेरी पिक्चर, मैं यहाँ से जो भी लेना ये लेता हूँ। ठीक, ओके किया तो हमारे सामने एक पिक आ गई। ठीक है, हमारे सामने ये पिक आ गई। अब इसमें हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ, यहाँ से कॉर्नर से पकड़ूंगा, इसको छोटा कर दूंगा, लेफ्ट क्लिक दबाए रखूंगा और इसको छोटा कर दूंगा। देखें, छोटी हो गई, मजीद छोटा करना है, ये देखें मजीद छोटी हो गई। ठीक है, अब इसको घुमाना है, मैंने यहाँ इसको बड़ा करना है, तो मैं फिर कॉर्नर से पकड़ूंगा जिस तरफ से बढ़ाना है। ठीक है, मैं इसको ड्रैग करता जाऊंगा तो बड़ी होती जाएगी। ठीक है, और अब इसको, ये हमारे पास ये पिक है, लेकिन हम ये हमारे पास हम इसको थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन को तब्दील करना चाहते हैं, इसके जाविये को तब्दील करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से पकड़ेंगे इसको, लेफ्ट क्लिक दबा के रखेंगे। देखें ये तब्दील हो रही है, देखें साइज इसका थोड़ा सा डायरेक्शन इसकी तब्दील होगी। हम जितना भी इसको तब्दील करना चाहें, जिस डिग्री पर भी सेट करना चाहें, देखें उस डिग्री पर हमारे पास वो सेट हो रही है। ठीक हो गया, और वापस इसको वन ये पूरा एक सर्कल की शेप में घूम सकती है। देखें किस तरह, जिस तरह हम इसको लाना चाहें उस तरह हम इसको सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसको हम 90 डिग्री पर रखना चाहें तो हम इसको 90 डिग्री पर ही सेट कर लेंगे। देखें घुमाते जाएं, वहां उसके ड्रैग करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, लेफ्ट को लेफ्ट जो है माउस बटन उसको दबा के रखना है। ठीक है, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो ये एक चीज होगी। दूसरा, इसका हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हमारे पास इसका भद्दा सा बैकग्राउंड है, हम उसको देखें, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया उसने। ठीक है, आ रही समझ? वो कीप चेंजेस करना है, चेंजिंग करनी है तो क्लिक कर दे, नहीं करनी तो डिस्कार्ड कर दे, तो वो चेंजिंग उसकी भी होगी। उसके बाद हम इसका कुरेक्शन देखें, इसमें से कुरेक्शन है, हमें वो नहीं चाहिए, ये चाहिए। देखें मजीद, देखें मजा आ रहा है, मजीद हाईलाइट हो रही है चीजें। ठीक है, अगर हम इसको डार्क में चले जाएं, ब्राइटनेस को कम कर दें, यानी यहाँ से हम ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। देखें कम और ज्यादा हो रही है कंट्रास्ट और ब्राइटनेस, इसकी कम भी हो रही है, ज्यादा भी हो रही है। देखें मजीद कम हो रही है, देखें मजीद कम हो गई, मजीद कम हो गई, लेकिन हम इसको इस तरफ आते हैं तो ये मजीद बढ़ती जा रही है, ब्राइटनेस भी इसकी बढ़ती जा रही है और इसकी डार्कनेस भी बढ़ी, कंट्रास्ट भी इसका बढ़ रहा है। ठीक, मुझे ये पसंद है, फर्ज करें मैंने इसको कर दिया, तो इस चीज को हम वहां इस्तेमाल करते हैं, ये कंट्रास्ट को, इस तरह जैसे हमारे पास कोई पुराना नोटिफिकेशन है तो वो नोटिफिकेशन दोबारा हमने अप्लाई करना है उसी नोटिफिकेशन को, तो हम पुराना उठा के उसको स्कैन कर लेंगे और इसको उस पिक बना के, जेपीजी बना के यहाँ पे ले आएंगे और उसको कंट्रास्ट को बढ़ा, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को बढ़ाकर उसको रीन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे महसूस होगा कि आपने कल ही ये नोटिफिकेशन निकाला है, लेकिन होगा वो साल 2 साल 4 साल पुराना। ठीक है, तो ये पुरानी चीजों को, पुरानी डॉक्यूमेंट्स को नए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ऐसा महसूस हो कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको करेक्शंस को इस्तेमाल करते हैं, इसमें से उसकी ब्राइटनेस और उसका कंट्रास्ट को बढ़ा देते हैं। दूसरी चीज, कलर, ये हमारे पास कलर के कुछ हैं। ठीक है, इसमें कलर टोन्स हैं और रिकलर है। ठीक है, ये कलर स्टोन हमारे पास देखें, ये बिल्कुल ब्लैक सा आ जाएगा, लेकिन बिल्कुल ब्लैक आ गया। ठीक है, हाँ, ऐसी कॉपी जो हमारे पास कलर तस्वीर है, कलर डॉक्यूमेंट है, हम उसका ब्लैक में प्रिंट लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ से उसको कलर में जाएंगे और उस पूरे डॉक्यूमेंट को ब्लैक में कर लेंगे और उसका प्रिंट ब्लैक में ले लेंगे। ठीक हो गया, और इसमें भी हमारे पास री कलर है। ठीक है, कुछ टोन्स कलर हैं, कुछ सेचुरेशन कलर हैं। ठीक है, देखें अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते जाएं, देखें उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आती जाएगी। ठीक है, देखें मुख्तलिफ चेंजिंग आ रही है आपके सामने।
और उसके बाद ये कॉलर टोन्स आ गई, ठीक है। इसके बाद ये देखें मजीद, ये नीचे बिल्कुल ऐसे है जैसे आप वाटर मार्क है आपका, देखें बिल्कुल वाटर मार्क की सूरत में चला गया। इसको हम प्रिंट निकाल लें, ठीक है। इसमें मजीद देखें, ये हमारे पास ये आ गया ब्लैक एंड वाइट में, इसमें 70% ब्लैक एंड वाइट कलर इस्तेमाल हुआ है। इस तरह ये हमारे पास ग्रीन एसेंट कलर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ये ब्लू एसेंट कलर इस्तेमाल हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ, हमें जिस सूरत में भी चाहिए हम वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इफेक्ट, हम इसमें इफेक्ट डालना चाहते हैं आर्टिस्ट के, ठीक है। हम चाहते हैं हमारी तस्वीर ऐसी महसूस हो कि एक आर्टिस्ट ने बनाई है, उसका इफेक्ट इसमें मौजूद हो, ठीक है। और उसको हम फिर नए सिरे से बनाएं, ठीक है। तो ये आर्टिस्ट के हवाले से ये तस्वीर महसूस होगी। उसके बाद इसको हम वापस में इसकी असल कंडीशन में लेके आते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, यानी इसको मजीद इसको कंप्रेस साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। कंप्रेस किया तो हमें पूछ रहा है कितना कंप्रेस करना है, ठीक है। प्रिंट इतने 220 PPI पे या 150 पे, या ईमेल वाला करना है आपने। मैं इसको फर्ज करो 220 पे कर देता हूँ, तो ओके कर देता हूँ, तो इसको मजीद कंप्रेस कर देगा, यानी इसके साइज को रिसाइज कर देगा, यानी तस्वीर को छोटा कर देगा। ठीक हो गया। उसके बाद चेंज पिक्चर, ठीक है। मैं पिक्चर को चेंज करना चाहता हूँ। मेरे पास ये देखें, ये आपके पास 10 मुहर्रम वाली है, ये सामने मुहर्रम 10 मुहर्रम उल्हारा। मैं 10 मुहर्रम के बजाय, मुझे याद आया कि मैंने 9 मुहर्रम था आज, तो मैं 9 मुहर्रम वाली लगानी है पिक्चर, ठीक है। तो मैं 9 मुहर्रम वाली यहाँ से उठा लूंगा, उसी चीज में वो इसको इंसर्ट करूंगा पिक्चर, उसी जगह पे वो पिक्चर चेंज हो गई। हमें पिक्चर को डिलीट भी नहीं करना पड़ा, नए दबा से इंसर्ट भी नहीं करना पड़ा, हमने चेंज पिक्स कर दी है, ठीक है। उसके बाद रीसेट पिक्चर, इसमें हम रीसेट करना चाहते हैं इसके साइज को, इसके साइज को हम रीसेट करना चाहते हैं, तो हम इसके साइज को रीसेट कर सकते हैं, छोटा बड़ा साइज को कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं पिक्चर स्टाइल्स, या इसको स्टाइल भी बोल रहे हैं, इसको फ्रेम बोलना है पिक्चर के, तो फ्रेम भी हो कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो हम दोनों चीजें इसमें कह सकते हैं। देखें जिस फ्रेम पे मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पिक्चर का फ्रेम वैसा ही हो जाएगा, स्टाइल वैसा ही हो जाएगा। देखें सिंपल फ्रेम पे क्लिक किया तो देखें कितना अच्छा महसूस हो रही है पिक्चर। अब इस पे किया तो देखें और ज्यादा, ठीक है। देखें हमारे पिक्चर के स्टाइल चेंज हो रहे हैं, कॉर्नर हो गए इसके, रिफ्लेक्टेड हो गए, ठीक है। ये सॉफ्ट एज, इसके एजेस जो हैं वो सॉफ्ट से हो गए हैं, ठीक है। और डबल फ्रेम लगा दिया इस पे उन्होंने, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और हमारे पास आ जाएगा। देखें इसको गोलाई में कर दिया है, ठीक है। इसको मजीद देखें तो हमारे पास ये बहुत अच्छे अच्छे स्टाइल्स हैं, इसके साथ उन्होंने शेडो बना दी है, ठीक है। बहुत जबरदस्त स्टाइल्स हैं ये, देखें बहुत अच्छी पिक लग रही है यहाँ पे, देखें बहुत जबरदस्त चीजें हैं इस हमारे पास। तो यहाँ पिक को मुख्तलिफ फ्रेम दे सकते हैं, तो ये फ्रेम हमें अमूमी तौर पर, हमें जब हम पेज को कवर पेज बनाते हैं तब इस्तेमाल करते हैं, या सीवीज वगैरह में हम इन फ्रेम को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये पिक्चर्स के हवाले से, ठीक है। तो ये दोनों चीजें, इंसर्ट टेबल और इंसर्ट पिक्चर, बहुत अहम लेक्चर्स हैं। इन पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आपका काम अच्छा होगा, ठीक है। पिक्चर पे जितनी भी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, इंसर्ट पे टेबल पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही काम आपका अच्छा होगा, ठीक है। तो इसकी भी समझ आ गई। अब आगे चलें, आगे पेज बॉर्डर, पिक्चर का बॉर्डर लगाना, पिक्चर का बॉर्डर लगाना। तो ये बॉर्डर का कलर आ गया, देखें कलर तब्दील हो गया, ये बॉर्डर कलर तब्दील हो गया, ठीक है। अब बॉर्डर कलर तब्दील हो गया, अब फिर मैं पिक्चर बॉर्डर पे जाऊंगा, मैं इसको मोर कलर लेना है तो मोर ले लें, ठीक है। आउटलाइन लगानी, आउटलाइन लगा लें, ठीक है। ये अब पिक्चर का बॉर्डर लगाना कैसा है, उसकी विड्थ कितनी है, देखें ये विड्थ बता रहे हैं उतनी, कितनी विड्थ रखनी। मैं ये इसकी कर देता हूँ 3 PT, लेकिन 3 होगी, पहले ज्यादा थी अब कम होगी। फिर अब वो पूछ रहा है अब उसका स्टाइल क्या हो, डैशदार हो, डॉटेड हो, क्या हो।
तो मैं इसमें जैसा मुझे पसंद होगा, जैसे मेरे, ठीक है, इसमें नहीं मिल रहा हम मोर लाइन में चले जाएंगे, मोर लाइन में जाके हमें मजीद लाइनें मिल जाएंगी कि आपने इसका लगाना कैसे है। उसके बाद पिक्चर इफेक्ट, अब पिक्चर इफेक्ट पे देखते हैं तो हमारे पास देखें मुख्तलिफ इफेक्ट आ रहे हैं, ये देखें जबरदस्त हो गया, ये मुख्तलिफ इफेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं पिक अपनी के ऊपर, देखें जैसे कि देखें किताब की सूरत में हमारे सामने पिक पड़ी है कि जैसे एक किताब हो, ठीक है। इसमें आप बहुत, ये बहुत जबरदस्त चीजें हैं ये इफेक्ट वगैरह, ये हमारे, हम इसको इस्तेमाल करके हम अपनी पिक को बहुत जबरदस्त बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे महसूस होगा कि बहुत जबरदस्त काम हुआ ये, देखिए ठीक है। उसके बाद हमारे पास शेडो आ गए, हम इसको साया दे सकते हैं, आउटर में साया, देखें आउटर में आ रहा है, ठीक है। हम इसको इनर में साया दे सकते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से शेडो दे सकते हैं, इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, हम इसमें रिफ्लेक्शन डाल सकते हैं। मैं इसको पिक को थोड़ा छोटा करता हूँ, फिर मजीद नजर आएगा आपको, ठीक से। अब देखिएगा, देखिए अब शेडो नजर आ रहा है ना, आप पीछे देखें इसमें भी नजर आ रहा है, ये देखें, ठीक है। ये आगे इसकी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शंस देखिएगा, देखें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं नीचे की तरफ, मजीद मजीद देखें, ठीक है। यहाँ हम इसकी रिफ्लेक्शन ले सकते हैं, रिफ्लेक्शन लेने के बाद हमें ग्लो चाहिए, हम इसके यहाँ पे ग्लो लगा सकते हैं, देखें ग्लो लग रहा है, देखें कैसा जबरदस्त काम हो रहा है, ठीक है। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, हमें ग्लो लगा दी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मैंने सॉफ्ट एज को सॉफ्ट करता हूँ, ठीक है, 10 पॉइंट सॉफ्ट कर दिया एज को, देखें कितना एज सॉफ्ट हो गया। उसके बाद बेवल, ये देखिए बेवल सा हो गया, ठीक है। उसके बाद 3D रोटेशन, हम इसको 3D मोड में देखना चाहते हैं, 3D, 3D डिस्प्ले, यानी फ्रंट टॉप और साइड व्यू, ठीक है। हम इसमें जिस हिसाब से इसको देखना चाहते हैं उस हिसाब से हम इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। अब एक चीज, हमने इसमें इतना काम कर लिया है, इतना काम कर लिया पिक में, ये बहुत सारा काम है, लेकिन एक चीज इसमें है कि हम पिक को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, है ना मसला। मैं यहां से पिक को उठाता हूँ, देखें यहाँ पे, लेकिन वापस नहीं, वहीं पे आ जाती, नहीं जा रहे पिक। अब इसका हल क्या करेंगे, हाँ इसका एक हल तो यही है कि हम यहाँ पोजीशन में जाएंगे, हमारे पास कुछ पोजीशंस हैं, हम जैसे ये देखें ये सेंटर में आ गई, ये राइट पे आ गई, ठीक है। 9 पोजीशन है, 3 टॉप वाली, लेफ्ट राइट और सेंटर, 3 सेंटर वाली, टॉप लेफ्ट राइट एंड सेंटर, और 3 बॉटम की, लेफ्ट राइट और सेंटर, ठीक है। ये देखें इधर सेंटर वाली आ गई, इस तरह बॉटम में चले जाएं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे मैं रख लेता हूँ पिक को, ठीक है। तो यहाँ पिक रखी, तो ये है कि पिक, लेकिन मुझे दरमियान में मुझे पिक चाहिए इस जगह पे, इस जगह पे, तो क्या करूंगा, देखें अब आ रही है ना पिक, जहां पे हम रखना चाहते हैं, जितने रखना चाहते हैं उतनी आ रही, उससे पहले नहीं आ रही थी, ठीक है। इस पोजीशन को तब्दील किया तो ये सेट हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका, रैप टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिया करेंगे, तो हम यहाँ पे इसको उठा के जहां मर्जी लेके जा सकते हैं, सुकून से जहां मर्जी रखें इसको, जिस मर्जी पोजीशन पे सेट करें, ठीक है। ये सेट हो गया, ठीक है।
अब मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है। दो अहम चीजें हैं, इंसर्ट टेबल और इंसर्ट पिक्चर। ठीक है, इन दोनों पे काम करें, इन दोनों की असाइनमेंट भी बनाएं। ठीक है, असाइनमेंट भी मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है, इन दोनों पे काम करें और काम करके दिखाएं मुझे। ठीक है, फिर हम आगे पिक्चर के मजीद ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है।